कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कोर्स में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें पश्चिमी जिला दिल्ली पुलिस द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों ने शिरकत कर अपने संबोधन से युवाओं का मनोबल बढ़ाया। हम सभी जानते हैं लॉकडाउन के टाइम पर, कोविड के टाइम पर कई लोगों की नौकरियां गईं, लेकिन उसी के बीच में दिल्ली पुलिस प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कई सारे थानों में बेरोजगार युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट का सेशन आयोजित करती रही और उनको जो जॉब के लिए जो इम्पोर्टेंट स्किल्स हैं वो इम्पार्ट करती रही। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के 3 थानों में, कीर्ति नगर, राजौरी गार्डन और पंजाबी बाग में युवाओं के लिए अन्य अलग अलग फील्ड में ट्रेनिंग का आयोजन किया गया, जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर, मोबाइल रिपेयरिंग और हेल्थ केयर इत्यादि। इसी कड़ी में आज ट्रेन युवाओं के लिए मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया, जिसमें न केवल पश्चिमी दिल्ली जिले के युवाओं ने भागीदारी करी बल्कि पूरी दिल्ली पुलिस में जितने युवा ट्रेन हुए थे, जिनका ट्रेनिंग अब अंतिम चरणों में पहुँच गया था, उनको भी यहाँ पर बुला करके मेगा जॉब फेयर में भागीदारी का मौका प्रदान किया गया। मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि 24 कंपनियों ने इसमें शिरकत किया और 440 युवा जिन्होंने यहाँ पर आकर के अपनी भागीदारी की, उसमें से 375 युवाओं को नौकरी के लिए, रोजगार देने के लिए चयनित किया गया है और उनके भविष्य को उज्जवल बनाने में जो हमें नेक काम कार्य करने का अवसर प्रदान हुआ है। सब कुछ खासकर अपने वेस्टर्न जोन की टीम और वेस्टर्न रेंज के जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने जो देखते ही ये कदम उठाया है और जो बच्चे हैं जिनको की जॉब्स मिली है, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट दिन है बच्चों के जीवन में, खासकर अपने देश में, अपने समाज में जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर प्रॉब्लम है, उसके अंदर लोगों को जोड़ना, कंपनीज को जोड़ना, जो बच्चे हैं खासकर जिन एरियाज़ को दिल्ली पुलिस टारगेट कर रही है, जहाँ पे की जो कि क्लस्टर्स या क्राइम है, उनमें से उनको बच्चों को आइडेंटिफाई करना, फिर ट्रेन करना और जोरदार तालियां इन सब के लिए। श्री संजय सिंह सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आज हमारे शेड्यूल में से समय निकाल कर यहाँ पर आए और इसके लिए सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसके बाद मैं ज्वाइंट सिटी वेस्टर्न रेंज मैम खाली सिंह का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैम, आपके मार्गदर्शन और अथक प्रयास से ही आज मैं यह प्रोग्राम को आयोजित कर पाया है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत आज कुछ बच्चों को हमने प्रयास किया कि उन्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल सके। इंडिपेंडेंस अपने आप में एक शब्द नहीं है, ये एक सोच है और इसी में ही हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को आगे लेकर आए हैं और इसको आगे लेकर जा रहे हैं। हमने इन बच्चों को मजबूत बनाने की कोशिश करी है इसी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के द्वारा और एक बार ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अगर इनको मिल जाएगी तो देश, ये बच्चे मजबूत होंगे और उसके साथ हमारा देश भी मजबूत होगा। मेगा जॉब फेयर में तकरीबन 25 कंपनियों ने 350 जो हमारे युवा लड़के हैं उनको स्किल्स इम्पार्ट की गई हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए। खासकर ये आइडेंटिफाइड जुवेनाइल डिलिंक्वेंट्स हैं जो कि या तो फर्स्ट टाइम अगर उन्होंने क्राइम किया हो, इस तरीके के युवा को जोड़ने की कोशिश है दिल्ली पुलिस की कि वो एक तो क्राइम से दूर रहें और ऐसी अपॉर्चुनिटी उनके साथ मिले जो कि उनके लिए एक सेकेंड अपॉर्चुनिटी है एक अच्छी तरह जीवन अपना निर्वाह करने के लिए। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे राष्ट्रप्रथम के माध्यम से? युवा जो है वो सबसे यूथ जो हमारे देश का है सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसमें जो जज्बा, जो पैशन, जो एनर्जी जो है उसको चैनल करना और उसको ठीक रास्ते पे लेके जाना और एंगेज करना थ्रू प्रॉपर एक तो एजुकेशन ऑफ कोर्स और साथ साथ जॉब्स, जो अच्छी जॉब्स जिसमें कि वो जुड़ें और साथ साथ नेशन बिल्डिंग के अंदर वो कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें। देश की राजधानी दिल्ली में धड़ल्ले से चल रहे फर्जी कॉल सेंटर पर लगाम कसने में साइबर सेल की टीम लगातार कड़े प्रयास कर रही है। इसी के चलते दिल्ली पुलिस की पश्चिमी जिले की साइबर सेल ने एक और फर्जी कॉल सेंटर रैकेट का भांडाफोड़ किया है। पुलिस के मुताबिक
ये लोग दिल्ली के रमेश नगर इलाके में एक फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे, जिसके जरिए ये आम लोगों को सरकारी और प्राइवेट एयरलाइंस में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी का शिकार बनाते थे। अब तक ये गैंग 150 से ज्यादा लोगों को ठगी का शिकार बना चुके हैं। दरअसल पश्चिमी दिल्ली पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि रमेश नगर इलाके में एक फर्जी कॉल सेंटर चल रहा है, जो कि सरकारी और प्राइवेट एयरलाइंस में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की साइबर सेल ने रमेश नगर इलाके में बने इस फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारा और इस फर्जी जॉब स्कैम रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजस्व प्रथम की टीम ने इस फर्जी कॉल सेंटर को लेकर पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त उर्विजा गोयल से बात की। रमेश नगर थाने के इलाके में हमारी साइबर क्राइम टीम ने एक स्कैम जो जॉब रैकेट होता है कॉल सेंटर्स के थ्रू लोगों को कॉल करके उनको चीट करने वाला जो रैकेट था उसको बस्ट किया है, जिसमें अभी तक की 9 लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं और बहुत सारे उन लोगों के रिकॉर्ड्स मिले हैं जो इसमें चीटेड थे। वो सभी धीरे धीरे करके हमें कंप्लेंट्स दे रहे हैं, केस दर्ज हो चुका है। इसका रैकेट का जो सरगना है वो अभी फरार है, उसके लिए आगे प्रयास चल रहे हैं, उसको भी हम जल्दी अरेस्ट कर लेंगे।